को याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने धनिया बोई थी ना, अब चूंकि हमें चटनी पीसनी है तो धनिया के साथ साथ अगर थोड़ा सा लहसुन हो जाता तो चटनी का स्वाद हमारा और भी बढ़ जाता। तो वही आज हम लोग बोएंगे अपना लहसुन। धनिया तो शायद आप में से काफी लोगों ने बो ली होगी अब तक, आपकी उगने वाली भी होगी। आज फटाफट से हम लोग बोते हैं लहसुन, क्योंकि हम लोग दिवाली खत्म होने का वेट करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा। तो लहसुन हमारे लेट तैयार होगा, तो बीच में थोड़ा सा 5 मिनट का वक्त निकाल के फटाफट से बो देंगे अपना लहसुन, जिससे कि दिवाली खत्म होते होते हमारा लहसुन भी हमारे गार्डन में आ जाए। नमस्कार, और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्टी बेस्टी पर। आज का ये वीडियो जस्ट इतना स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपने काफी पहले पूछा था धनिया और लहसुन के बारे में। तो देखिए, धनिया तो हम लोगों ने बोली है, अब बचा था हमारा लहसुन। हाँ, मेरी गाड़ी थोड़ी सी लेट रहती है तो बस वही थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं, कई बार दिमाग से निकल जाता है कि हमें कौन सा वीडियो लाना है, क्या करना है। तो कोई नहीं, अभी बहुत लेट नहीं हुआ, अभी आप बोएंगी, अभी 10 दिन में आपके गार्डन में भी लहसुन हो जाएगा। और इसको लहसुन को बोने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप जाएंगी किचन में, उठाएंगी थोड़ा सा लहसुन और इस तरह से एक एक कलियां कर लेंगी अलग अलग। अगर आपके पास लूज में ये कलियां हैं तो आपको ये भी स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अलग अलग कलियाँ होंगी। और निश्चित रूप से आपने अपना गमला भी चुन लिया होगा जिसमें आपको बोना है लहसुन। देखिए, ये मेरा इसमें लगा था तरोई का पौधा, कुछ दिनों पहले मैंने इसमें गुड़ाई करके छोड़ दिया हुआ था। अब ये मिट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई है हमारा लहसुन बोने के लिए। बस एक एक बीज हमें इसमें बोना है। हाँ, बोने के लिए आप ध्यान रखिए कि कम से कम 1.5 इंच का फासला आप एक पौधे के बीच में ज़रूर रखें। और बोने के लिए देखिए, जो हमारा जड़ वाला हिस्सा वो हमें रखना है नीचे कुछ इस तरह से। बस इसको धीरे से हम लोग हल्के हाथों से मिट्टी में दबा देंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में आपको नहीं दबाना है, ध्यान रहे जो आप इसका जो नुकीला वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा आपको दिखना भी चाहिए। अगर बहुत नीचे चला जाएगा तो आपका पौधा ऊपर आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। बस 1 से 2 इंच के बीच का गैप ज़रूर रखें, जिससे कि इसमें जो नीचे हमारी गांठ पड़ेगी लहसुन भी बनेगा, तो उसमें थोड़ा सा इसको स्पेस भी चाहिए होगा अपनी गांठ बनाने के लिए। इस पर्पज़ से हम थोड़ा सा इसमें बीच बीच में गैप देके अपनी एक एक कलियां लगा देंगे और बस तैयार हो गया। हल्का समय इसमें पानी का छिड़काव कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी काफ़ी नम है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा समय छिड़काव कर रही हूँ। आप देखें कि आपकी मिट्टी अगर ज़्यादा ड्राई है तो आप ज़्यादा पानी डाल दें। बस हो गया हमारा, सिंपल सा था तरीका। और अब हमें क्या करना है, आखिरी स्टेप हमें और करना है, इसको हम करेंगे ऊपर से कवर। देखिए, बोरी का जैसे मैंने धनिया में किया हुआ था, ठीक उसी तरह से ये मैंने लिया हुआ बोरी का पीस, इसी से मैं ढक देती हूँ। आप देखिए, आपके पास बोरी है तो बोरी से ढक दें, या कोई बड़ा सा अगर आपके पास पॉली बैग है तो पॉली बैग से ढक दें। बस पर्पज़ हमारा ये है कि मिट्टी हमारी ज़्यादा टाइम तक मॉइस्ट रहेगी तो जल्दी से जल्दी हमारे पौधे ऊपर आ जाएंगे, बस यही पर्पज़ है। 2 से 3 दिन के लिए ढक के रखें। देखिए, ठीक 10 दिन बाद मैं अपना ये दिखा रही हूँ इसका रिजल्ट। 10 दिन बाद देखिए, इतने बड़े पौधे हो गए कि इनसे मैं पत्ते तोड़ के अपनी चटनी में इनको यूज कर सकती हूँ। तो ठीक 10 दिन बाद आपके भी इसी तरह से पौधे हो जाएंगे आपकी चटनी में डालने के लिए बिल्कुल तैयार। तो देर मत करिए, आप भी फटाफट से अपना लहसुन बोइए और पूरी सर्दियों अपने घर के ताजे ताजे पत्तों का आनंद लीजिए, क्योंकि वो पत्ते डायरेक्टली आपके गार्डन से पहुँचेंगे आपकी किचन तक, तो बात ही कुछ और होगी। तो फटाफट से बोइए, और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कुछ जुड़े रहे मेरे साथ इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, गार्डनिंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू।